नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ 108 दानों की माला के बारे में। कहते हैं कि जो हिंदू धर्म में भगवान को याद करा जाता है या उनका मंत्र का उच्चारण किया जाता है, 108 दाने की माला से ही मंत्र का उच्चारण किया जाता है। बिना संख्याहीन मंत्र का जाप करने से आपको कोई भी फल नहीं मिलता। आपने कभी सोचा है कि मंत्र जाप करने के लिए हमें जो माला मिलती है उसमें 108 ही मोती क्यों होते हैं, या उससे ज्यादा या उससे कम क्यों नहीं होते, जानिए इस वीडियो के दौरान। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में जितनी बार सांस लेता है उसका संबंध सीधा 108 मोतियों की माला से है। कहा जाता है, अब मान लीजिए 24 घंटे में कोई स्वस्थ व्यक्ति 21,600 बार सांस लेता है, और यदि 24 घंटों में से 12 घंटे तो आदमी व्यस्त रहते हैं, तो जो 12 घंटे बचते हैं उसमें व्यक्ति 1,800 बार सांस लेता है। इसका संबंध सीधा मोतियों की माला से, यानी कि 108 वाली मोतियों की माला से है। दौरान अगर आप किसी देवी या देवताओं का अध्ययन कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि उसका फलदायक आपको अलग ही मिलता है, लेकिन 1,800 बार सांस लेने पर उसमें से 2 सुन्ने इसलिए हटा दिए गए हैं क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है। आजकल का बिजी शेड्यूल, इंसान के पास इतना टाइम कहाँ जो 1,800 बार सांस लेने समय माला का जप कर सके। इसलिए पीछे के 2 सुन्ने हटाकर 108 बार माला का जप करने पर, और इसीलिए इसे भी 108 बार मोतियों की माला बनाई गई है। इसी तरह दूसरी मान्यताओं के अनुसार सूर्य की कलाओं से संबंधित है। कहा जाता है कि वर्ष में सूर्य अपना स्थान यानी कि 21,06,000 बार बदलता है, लेकिन 6 वर्ष में वह सूर्य अपना स्थान 6 माह में 10,08,000 बार अपना स्थान बदलता है, और सूर्य की स्थिति 1 साल में 2 बार बदलती है, इसलिए भी इनका 108 मोतियों की माला बनी है। इसी प्रकार सूर्य के 10,08,000 बार के अनुसार ही 2 जीरो पीछे की हटाकर 108 मोती की माला निर्धारित की गई है। माला का एक एक मोती सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है, इसलिए भी माला का 108 मोती निर्धारित किया गया है। माण के अनुसार 12 राशियों में बांटा गया है, जिसमें 9 तो ग्रह हैं। 9 ग्रहों को अगर 12 राशियों से गुणा कर दिया जाए तो हमारी 108 संख्या प्राप्त होती है। इस कारण भी हमें कहा गया है कि ब्राह्मण को पूरे एक माला यानी कि 108 मोतियों की माला में परो दिया गया है। तो ये थे वह कारण कि माला 108 दानों की क्यों होती है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।